नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सब लोगों का एस्ट्रोटक चैनल में और मैं हूँ प्रीतिका मजुमदार। आज मैं बताऊंगी पितृ पक्ष में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो इस किस चीज़ का आपको ध्यान ज़्यादा रखना चाहिए। सबसे पहले जो है, जब आप कोई भी व्यक्ति का मृत्यु होता है और उसके बाद दोबारा जन्म नहीं हो जाता, वो सूक्ष्म लोक में रहते हैं, तो जब तक किसी व्यक्ति का मृत्यु के बाद सूक्ष्म लोक में रहते हैं, तो वो उनको जो है होते हैं ये 16 दिन के दौरान, पितृपक्ष के दौरान, उनके नाम पे, उनकी तिथि, जो जिस तिथि में उनका मृत्यु हुआ उस तिथि में उनको पितृपक्ष के दौरान उनके पितरों का तर्पण करना चाहिए। इससे जो है उनका, उनके सूक्ष्म लोक में रहने के बावजूद भी उनकी आत्मा की तृप्त होता है, तृप्ति होती है, उनको जल मिलता है, पानी मिलता है। पितृपक्ष में किस तरह कार्यों का पालन करना चाहिए, इस बारे में हम आपको बात करने वाले हैं। जैसे कि पितृपक्ष में हम अपने पितरों को नियमित रूप से जल अर्पित हमें करना चाहिए। जो घर घर में जो मुखिया है, वो अगर अपने पितरों के नाम पे जल अर्पित करे, ये बहुत ही अच्छा रहता है। इसके अलावा ये जल दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके, आपके फेस जो है साउथ डायरेक्शन की ओर आपको फेस करके पितरों के नाम का जल अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा जल में आपको काला तिल मिलाया जाना चाहिए। आपको हमेशा पितरों को जब भी जल दे, तब जल में काला तिल मिला के ही पितरों को अर्पित करना चाहिए। और हाथ में कुश घास जरूर रखना चाहिए, हाथ में एक कुश घास के साथ पितरों के नाम पे जल अर्पित करना बहुत ही शुभ रहता है। जिस दिन पूर्वज की देहांत हुआ था, उस दिन वो जो तिथि होती है, उस दिन अन्न और वस्त्रों का गरीबों में, ज़रूरतमंदों में दान करना चाहिए। उसी दिन किसी निर्धन को भोजन भी, आप पेट भर भोजन भी करना चाहिए। एक से अधिक लोगों को भोजन भी आप अगर कराएंगे, इससे जिस दिन आपका पितरों का मृत्यु का डेट है, डेट के दिन आपको, अगर ज़रूरतमंदों को आप भोजन कराएंगे, तो पितरों इससे खुशी होती है। इसके बाद पितृपक्ष के कार्य समाप्त जब तक होना जाए, पितृपक्ष समाप्त ना हो जाए, रोज आपको हाथ में कुश की घास लेके पितरों को आपको जल में तिल मिला के रोज आपको पानी देना चाहिए। घर का जो वरिष्ठ पुरुष है, उनको नित्तो ही तर्पण करना चाहिए। ऐसे उनके अभाव में, अगर घर की मुखिया किसी काम के वजह से घर से बाहर गए हैं, काम ऑफिस के कोई काम में गए हैं, तो इसके अभाव में घर के अन्य कोई सदस्य ये काम कर सकते हैं, जैसे पोत्र कर सकते हैं, जैसे नाती कर सकते हैं, उनके अभाव में कर सकते हैं ये लोग ये काम। और इसके साथ साथ इसके अभाव एक चीज़ का आपको ध्यान ज़रूर रखना चाहिए, पितृपक्ष की सावधानियाँ भी पालन करने योग्य होता है। पितृपक्ष में आपको मांस मदिरा इस तरह की चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। इस अवधि में दोनों टाइम आपको नहा के पितृजन को याद किया जाता है, याद करने से फायदा होता है। जैसे इस 16 दिन के पितृपक्ष के दौरान आपके घर की दक्षिण दिशा में, मतलब साउथ डायरेक्शन में, पितरों का फोटो लगवा दीजिए और धूप दीप कीजिए, पितृजनों को फूल अर्पित कीजिए, हल्का सुगंध वाला फूल आप अर्पित कीजिए, धूप दीप दिखाइए। इससे देखिएगा आपके पितृजन बहुत संतुष्ट होगा। और दोनों टाइम आपको स्नान करके ये काम करना चाहिए। कुतब बेला में पितरों को तर्पण देने से फायदा होता है। इसी बेला में तर्पण का विशेष महत्व माना जाता है। तर्पण में कुश और तिल का विशेष महत्व है। इसके साथ तर्पण करना अद्भुत परिणाम प्राप्त होता है। जो कोई भी पितृपक्ष का पालन करता है, उसे पितृपक्ष के दौरान एक ही टाइम का भोजन करना चाहिए और सात्विक भोजन करना चाहिए।
जो भी तर्पण कर रहे हैं उनको प्याज लहसुन बगैर खाना खाना चाहिए, नॉनवेज नहीं खाना चाहिए या फिर मदिरा पान नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में सात्विक आहार घर परिजन फैमिली के सभी लोग खाए तो बहुत ही अच्छा रहता है। प्याज लहसुन के बगैर खाना बनाना चाहिए और नॉनवेज बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जहाँ तक संभव हो पितृपक्ष में दूध का सेवन भी नहीं करना चाहिए, दूध का प्रयोग भी कम कर देना चाहिए। पितरों को हल्की सुगंध वाली जो फूल अगर आप अर्पित करेंगे तो पितरों खुश होता है, तीखी खुशबू ना हो ये इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसे आप देखिएगा बहुत फ़ायदा होने वाले हैं। साथ साथ दक्षिण दिशा की ओर, मैंने पहले ही बोला है दक्षिण दिशा की ओर फेस करके आपको पितरों का पिंड देना चाहिए, तर्पण करना चाहिए। आप अगर कोई जलाशय में जा रहे हो, किसी पंडित के साथ जा रहे हो, जलाशय में जाके भी आपको ध्यान रखना चाहिए, आपको आपकी फेस दक्षिण दिशा में मतलब साउथ की डायरेक्शन में आपका फेस करके ही आप पितरों को पिंड दान करें या फिर तर्पण आप करें। पितृपक्ष में नियमित आपको भगवद गीता का पाठ करना चाहिए। अगर आप नहीं पाठ कर पा रहे हो तो आपके घर में कोई ना कोई भगवद गीता का पाठ करे इस दौरान, पितृपक्ष के 16 दिन के दौरान। और पितृजने का भोजन अगर आप किसी अन्य का दान कर रहे हो या फिर किसी गरीब दुखियों को पितृपक्ष के दौरान आप उनको सेवा कर रहे हो, अन्न का दान कर रहे हो, खिला रहे हो, तो याद रखिएगा पितरों के नाम पे दान अगर आप कर रहे हो तो किसी से उधार लेकर नहीं कीजिएगा। उधार के पैसे से पितृजने का भोजन वगैरह नहीं देना चाहिए, किसी को उधार लेके नहीं जाना चाहिए। चाहे आपके घर में 100 रुपया है, 500 रुपया है, उसी पैसे से ही आप पितृजने के लिए कुछ खाना आप खुद बना के आप बांट दीजिए, जितना आपसे संभव हो सके। पर याद रखिएगा कभी भी उधार लेके पितृजने का पितृपक्ष में तो बिल्कुल नहीं काम कीजिएगा। पितृपक्ष के दौरान किसी को उधार लेके किसी को वो भी नहीं देना चाहिए, दान भी नहीं करना चाहिए, अन्नों का दान और कपड़े का दान कुछ भी दान नहीं करना चाहिए। चलो आज तो आपने जान लिया पितृपक्ष में आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ऐसे ही मैं आप लोगों के सामने और भी बहुत सारे पूजा पाठ और काला जादू की टोटके लेके हाजिर हो जाऊंगी। जब तक मुझे इजाज़त दीजिए और शेयर कीजिए एस्ट्रो तक चैनल को और लाइक कीजिए एस्ट्रो तक चैनल को। नमस्कार।